रायपुर की मौदापारा पुलिस ने अभिरक्षा से हथकड़ी खोलकर फरार होने वाले आरोपी लक्ष्मी नारायण कसेर को फरार होने के बाद बालोद से जाकर गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में बगैर दस्तावेज गलत तरीके से संचालित हो रहे क्लिनिक संस्थानों पर प्रशासन ने छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान एक क्लिनिक और दो लैब को सील कर दिया गया। कोरबा जिले की कुसमुंडा पुलिस ने हसदेव नदी किनारे झाड़ियों में चोरी का सामान छिपाकर रखे होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संदेही शुक्रवार सिंह, समीर कुमार तथा अर्जुन रामपाल को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी ने 3 दिन पूर्व सामंता कंपनी के गोडाउन से तांबे का तार चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2,73,000 रुपए कीमत का 120 किलो तांबा जब्त किया है। रायगढ़ खरसिया हाईवे में ग्राम चपले के पास गुरुवार को ट्रेलर चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार 3 युवकों को चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस द्वारा अलसु पलेरिया के नकटी खार स्थित यार्ड पर छापा मारा गया, जहां अवैध रूप से संग्रहित किए गए लगभग 40 टन कोयले को जब्त किया गया है। जसपुर पुलिस ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से आधी कीमत पर 4 पहिया 2 पहिया वाहन दिलाने के नाम पर जिले सहित झारखंड के गुमला रांची के इलाके से करीब 100 लोगों के साथ तकरीबन 4 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़कर 22 लाख कीमत की इनोवा कार, बैंक संबंधी दस्तावेज, एक स्कूटी मिलाकर तकरीबन 23 लाख रुपए बरामद किए हैं। अन्य राज्यों से नशे का सामान लाकर बिलासपुर शहर में बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहे 2 नशे के सौदागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 69,500 रुपए कीमत की 340 नग कफ सिरप व 1,70,000 रुपए नगद बरामद किया। पुराने शातिर वाहन चोरों को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाहनों के नंबर प्लेट को बदलकर चेचिस नंबर को घिसकर वाहन का उपयोग करते थे। 2 वाहन चोरों से 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। राजनांदगांव की कोतवाली पुलिस को थाना क्षेत्र के जी रोड स्थित हरिओम ऑटो के ऊपर स्थित एक दफ्तर में सेक्स रैकेट चल रहा है, इसकी सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए दफ्तर में कारोबारी प्रकाश गोलछा और 2 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर थाने लाकर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मरवाही पुलिस ने 6 अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़कर आरोपी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने की अंगूठी, 1 नग सोने का लॉकेट, कंबल व कपड़े तथा 3 नग मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त किए है। महासमुंद जिले की बसना पुलिस व नारकोटिक सेल की टीम ने उड़ीसा की ओर से आ रहे बसना निवासी बाइक सवार 2 युवकों को दलजीत सिंह जटाला व अर्जुन सिंह जटाला को पकड़कर बोरी में रखा 1,80,000 रुपए कीमत का गांजा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में नक्सल प्रभावित गांव टिकनपाल के हेडमास्टर अंबाती राजू की गुरुवार सुबह स्कूल के कमरे में खून से सनी लाश मिली। वे मूलतः सुकमा जिले से हैं और स्कूल में ही रहते थे। रोज की तरह वे रात को स्कूल में सोए और सुबह उनकी लाश मिली। अज्ञात दोनों हेडमास्टर का गला रेतकर हत्या कर दी थी। सूरजपुर जिले के भैयाधानी झिलमिली थाना अंतर्गत आसू इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बीती रात नकाबपोश चोरों ने दुकान शटर का ताला तोड़कर दुकान से करीब 8 लाख कीमत के 50 मोबाइल व 8 स्मार्ट वॉच को पार कर दिया। नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। परतापुर की पहाड़ियों में डीआरजी जवानों की नक्सलियों से लगभग घंटे भर एक मुठभेड़ चली। नक्सलियों की फायरिंग बंद होने के बाद
मौके की तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामान, आईईडी और पटाखे बरामद किए हैं। बलौदा बाजार जिले की लवन चौकी पुलिस की गांजा तस्कर से 6 लाख और 8 लाख रुपए के लेन देन का ऑडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने लवन चौकी प्रभारी बीके सोम को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। गोरेला पुलिस ने रायपुर की ओर से डीजल चोरी करने मध्य प्रदेश की ओर जा रही एक महिंद्रा कंपनी की एसयूवी 500 कार सवार को पेंड्रा तिराहे में रोककर वाहन की जांच कर 38,500 रुपए कीमत का 385 लीटर डीजल जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले की मोहरा चौकी पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान खैरागढ़ की ओर से आ रही एक टाटा एस छोटा हाथी को रोककर पूछताछ की और वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन के पीछे डाले में 15 पेटी शराब रखी हुई मिली, जिसे जब्त कर वाहन चालक साकिब बद्री सेक्टर 6 निवासी को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। खमतरी पुलिस की टीम द्वारा थाना खमतरी क्षेत्र अंतर्गत स्थित बीनू पेट्रोल पंप के पास सस्ते दाम में मोटरसाइकिल बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश रहे आरोपी राजन साहू एवं ऋतिक वर्मा को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 दोपहिया वाहन कीमत लगभग 1,50,000 रुपए जब्त की गई है। रायपुर की खमतरी पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बंजारी माता मंदिर के पास एक व्यक्ति द्वारा सस्ते दाम में मोटरसाइकिल बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांजगीर निवासी धनंजय साहू को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र में ग्राम जोगड़ा की 21 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने एक सह आरोपी के साथ युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर मामले को सुलझाने में सफलता पाई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त बाइक, फावड़ा व अन्य सामान को जब्त कर लिया है। बिलासपुर के एसएसपी पारुल माथुर देर रात शहर की सड़कों पर गश्त करते और चेकिंग व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। एकाएक एसएसपी को शहर में देखकर बिलासपुर पुलिस के थानेदारों के बीच हड़कंप मच गया। थाना छोड़कर सभी ऑन रोड हो गए। राजधानी रायपुर से लेकर गोबरा नवापारा इलाके में एक किसान पर जानलेवा हमला हुआ। दो युवकों ने किसान के पेट पर चाकू मारकर धान बेचकर रखी रकम को भी लूट ले गए और फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने 4 दिन बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले की रंचरी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान ग्राम मोखा के पास दो व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूमते मिले, जो पुलिस को देखकर छुपने का प्रयास करने लगे, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने पर बाइक चोरी सहित चोरी के अन्य मामले का खुलासा हुआ। बेमेतरा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के आरोपी सहयोगी डायरेक्टर धनेंद्र गजबियो को वारासिनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 आरोपियों ने मिलकर 12% ब्याज पर रकम 2 गुना वापस करने के नाम पर निवेशकों से लाखों रुपए जमा करवाए थे और कंपनी बंदकर फरार हो गए थे। कांकेर में रात के समय राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़ी ऑटो वाहन की बैटरी को चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई बैटरी और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। जांजगीर के ग्राम खोपरा में गुरुवार रात किराना दुकान के गोदाम में आग लग गई। गोदाम से आग की लपटें निकलती देख लोगों ने पुलिस और मालिक को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। रायगढ़ जिले की खरसिया थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में मामा भाजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 10 साल की नातिन गंभीर रूप से घायल है। हादसा ट्रेलर की टक्कर के चलते हुआ, इसके बाद चालक ट्रेलर छोड़कर भाग निकला।
जसपुर जिले की पत्थलगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत छाता सराय द्वारा निर्माण कराने के बाद ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान नहीं देने से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को पंचायत सचिव को बंधक बना लिया। उच्च अधिकारियों के दखल के बाद मामले का पटाक्षेप हुआ और सचिव को ग्रामीणों के द्वारा रिहा किया गया। बड़ौदा बाजार की गिरौदपुरी पुलिस ने अर्जुनी वन परिक्षेत्र में महाकोनी की बीट गार्ड तृप्ति जायसवाल पर जानलेवा हमला कर वर्दी फाड़ने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को उसके दो भाइयों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण थाना क्षेत्र के आरजल के जंगल से एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरजल तुमकपाल क्षेत्र में नक्सली एकत्र हो रहे हैं। इस पर डीआरजी जवानों को उस ओर भेजा गया। जवानों के पहुंचते ही नक्सली भागने लगे। इस बीच भिडमा रामा पोडियामी मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। उधारी पैसों को लेकर हुए विवाद में उड़ीसा के दो युवकों ने अपने लेलुंगा के साथी को धोखे से बुलाया और लोहे की रॉड और डंडे से हत्या कर उड़ीसा के मांसबीरा डैम के पास शव को फेंक दिया। उड़ीसा और रायगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ के खरसिया से टाटा एस वाहन लेकर वापस रायगढ़ लौटने के दौरान एक बेकाबू ट्रेलर चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छोटा हाथी का चालक पूरी तरह से वाहन में फंस गया। इस दौरान अस्पताल जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बालोद जिले के दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5-6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शेखर निर्मकर निवासी वार्ड 22 मछली मार्केट राजरा को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बालोद दुर्ग धमतरी राजनांदगांव कांकेर जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदल करने का आदेश पारित किया है। दुर्ग शहर लगातार दूसरे दिन भी सड़क दुर्घटना से दहल उठा। देर रात 12:30 बजे के आसपास दुर्ग धमदा मार्ग में ट्रक और बाइक की भिड़ंत के बाद फ्लाईओवर से गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक और ट्रक दोनों फ्लाईओवर से नीचे खड़े वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया।